ओम ज्ञानतिग्रान्तस्य ज्ञानेन्द्रं शलाकय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै शिवमे नमो विष्णुपादाय राधिकाय समस्त ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में रखो। आज मठ मठ जैसा लग रहा है, आप लोग इसी प्रकार से आए धोती बांध कर, तो आनंद की लहर जो है सब पेड़ में तरंगायमान संचार भी होगा और आनंद भी होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है। जिस प्रकार से किसी स्कूल में आप जाकर देखें तो वहां पर एक ड्रेस कोड होता है कि ये यूनिफॉर्म पहन करके हमें आना। बच्चे यदि यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाते तो उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा विद्यार्थी के अंदर तो वो कुछ भी ग्रहण करने की उसकी अभिलाषा ही नहीं जागेगी, हृदय उसका चंचल बना रहेगा। चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे आर्मी का महकमा हो, चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, सबके अलग अलग एक ड्रेस यूनिफॉर्म कोड होता है। ठीक इसी प्रकार से आश्रमों का भी एक ड्रेस कोड है और खास करके सनातन धर्मियों का, जो हम सब धोती बांध करके आए हैं और स्त्रियां माताएं बहनें जो साड़ियां पहनकर आई हैं, यही हमारी वास्तविक पोशाक है। इसी पोशाक के माध्यम से हम गोलोक वृंदावन में भी जा सकते हैं। तो इतना दम है इस पोशाक के अंदर, क्योंकि वहां पर भी एक पोशाक चलती है, वहां कोई पैंट कमीज और जींस इत्यादि कुछ नहीं चलता। तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं सुंदर हमारे श्री गुरुदेव की जो 100वीं जन्म उत्सव वर्षगांठ होने जा रहा है उसके ऊपर पूरा वर्ष ये महापर्व की तरह मनाया जा रहा है। और आज जो यहां पर संकीर्तन होगा उसको पूरे विश्व में देखा जाएगा, इसीलिए बड़े उत्साह के साथ इसमें हमें भाग लेना है। प्रभु लोग जो भी कुछ गाएं उसके पीछे पीछे वो दोहराना है, जैसे मुझे गाना नहीं आता पीछे दोहराना आता है, ऐसे हम सब दोहराएंगे। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव ने जो शिक्षाएं प्रदान की, श्रीमद् भागवत की समस्त शिक्षाओं को हम लोगों को देने का हमेशा प्रयास रहा उनका, और विशेष करके षड गोस्वामियों में से जो अनंतम हैं श्री रूप गोस्वामी जी, उनके तो विशेष करके उन्होंने अपने हर ग्रंथों में प्रकाशित करने की चेष्टा की। श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री उज्ज्वल नीलमणि में बहुत सुंदर एक कथा को प्रकाशित किया। उससे पहले जो श्री गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से साधक को चेष्टारत रहना चाहिए और किस प्रकार से प्रभु के दर्शन प्रभु से मिलन होगा, ये सारी की सारी व्यवस्था एक साधन पद्धति में आती है। उसके लिए श्री गुरुदेव ने श्रीमद् भागवतम में से जो सुंदर सुंदर श्लोक हैं, श्लोक तो मुझे याद रहते नहीं, हिंदी में अच्छी तरह से बता सकता हूं, उसमें श्री रुद्रासुर एक असुर हुए जो कि महान असुर होते हुए महान भक्त है और वो इंद्र से युद्ध कर रहे हैं और इतने साहसी इतने पराक्रमी कि इंद्र का लड़ते लड़ते वज्र गिर गया नीचे, तो भी वो चाहते तो इंद्र को नष्ट कर सकते थे,
लेकिन बत्रासुर ने उनको मारा नहीं, उल्टा प्रतीक्षा की कि इंद्र इस वज्र को, इस अस्त्र को उठा करके पुनः मुझसे युद्ध करे। इतने साहसी बत्रासुर और इंद्र बड़े ही लज्जित हुए कि मेरे हाथों से वज्र गिर गया, अब इसे किस प्रकार से उठाऊं। तो यहां पर बत्रासुर कह रहे हैं, देखो मुझे मालूम है कि ठाकुर ने आपको सारी युक्तियां बताई हैं कि किस प्रकार से मेरा वध होगा और इस वज्र के द्वारा ही मुझे मारा जा सकता है, क्योंकि वज्र कोई साधारण अस्त्रों शस्त्रों से नहीं बना, ये महान तपस्वी जो है ददाति ऋषि की अस्थियों से बना हुआ है और सिर्फ भगवान ने आपको बताया तब जाकर के ये सब कुछ हो पाए। तो अब तुम भगवान की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करो, लज्जित मत हो इंद्र, इस वज्र को उठाओ और मुझ पर प्रहार करो। देखो युद्ध की कितनी कौशलता श्री बत्रासुर के अंदर, आजकल की जो युद्ध कौशल है वो कितनी कितनी निम्न स्तर की हो चुकी है, छिप छिप करके मारते हैं और योद्धा वही है जो आमना सामना करके ललकारते हुए युद्ध करे। तो यहां पर युद्ध करते हुए क्या करें, तुम लज्जित मत हो, तुम सेवा कर रहे हो ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम प्रहार करो, इस वज्र को उठाओ। इंद्र ने उस वज्र को उठाया और इंद्र ने रुद्रासुर की बहुत प्रशंसा की कि तुम बहुत वीर हो और वीरता का ऐसा, मैंने बहुत बड़े बड़े युद्ध किए लेकिन वीरता का ऐसा उदाहरण मैंने प्रथम बार देखा। उसके उपरांत उस वज्र से इंद्र ने रुद्रासुर के हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट दिए, तो भी रुद्रासुर जो है क्या कह रहा है, वो कह रहा है हे इंद्र तुम मुझे भगवान की आज्ञा के कारण मुझे मारना चाहते हो, मैं इसके लिए तत्पर हूं, परंतु मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं हे प्रभु, मेरी हमेशा मति आपके चरणों में लगी रहे। और कैसे लगे ये मन आपके चरणों में, वो तीन श्लोकों के माध्यम से रुद्रासुर हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार से गैया का बछड़ा हमेशा अपनी मां को टोता रहता है कि गैया मैया कहाँ है, उसको जब ग्वाला खोलता है तो वो दौड़ता हुआ कई सारी गैया मैया के पास जाकर के उनके थनों में मुंह मारता हुआ और अपनी मैया के पास पहुंच करके दुग्ध पान करता है। तो इस प्रकार से मेरी भी चेष्टा हो आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। बछड़ा जिस प्रकार से अपनी मां को, अपनी मां के हमेशा दूध पीने के समय पर उनकी हमेशा उसकी चिंता अपनी मां के प्रति रहती है, ऐसी चिंता मेरी भी बन जाए। रुद्रासुर मरते हुए ये भगवान से प्रार्थनाएं कर रहा है। उसके बाद दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं रुद्रासुर कि मेरी चेष्टा ऐसी हो जिस प्रकार से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे होते हैं घोंसले में, पक्षियों के बच्चे जब उनकी मैया दाना लेने के लिए बहुत बड़ी उड़ान सुबह भर के दोपहर तक आती है और गले में बहुत सारे दाने लेकर के आती है, वो गले से दाना निकाल करके अपने बच्चों को खिलाती है और बच्चे चो 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 करके अपनी माँ की और चिंता करते हैं, हमेशा उनका स्मरण बना के रखते हैं कि अभी मेरी माँ आएगी और हमें भोजन देगी, ऐसा स्मरण मेरा बना दो प्रभु और हमेशा ऐसा ही मेरा स्मरण बना रहे। उसके बाद इन दोनों जो प्रार्थनाओं में उन्हें थोड़ी कमी नजर आई। कमी क्यों नजर आई कि पक्षी के जो बच्चे हैं वो जब भूखे होते हैं तब मैया को याद करते हैं, बछड़ा जब भूखा होता है तब अपनी मैया को याद रखता है, तो उस अंतराल में अपनी मैया को याद ना रखने के कारण वो बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ी कमी रहेगी भक्ति में। अब इससे भी उत्कृष्ट भक्ति उन्होंने बताई कि हे प्रभु मेरी ऐसी प्रीति हो जाए आपसे जिस प्रकार से एक स्त्री का पति दूसरे किसी शहर में गया हो धन कमाने के लिए, कई दिनों तक ना आया हो, कई महीनों तक ना आया हो,
और वो हमेशा घर के कार्य में ऐसी दक्षता करते हुए भी उसका स्मरण बना के रखती है, चाहे वो झाड़ू लगाए, चाहे पोछा लगाए, चाहे भोजन रंधन करे, उसका हमेशा चित्र अपने पति पर रहता है कि वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं होगा, और जिन्हें कितने प्रकार के कष्ट झेल करके वो धन कमा रहे होंगे इत्यादि इत्यादि। तो ऐसी मति मेरी आपके चरणों में लग जाएगी, वृत्तासुर बता रहे। और फिर एक और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु चाहे मुझे ब्रह्मा जी का पद, चाहे स्वर्ग में इंद्र का पद, और चाहे मुझे वैकुंठ इत्यादि भी आप देने का प्रयास करें तो उसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे एकमात्र क्या चाहिए, मुझे एकमात्र अपने आपके भक्तों के दासों के दास बना करके मुझे रखना, उनके चरण रज की धूलि से मेरी अभिषेक करता रहूं, यह अभिलाषा है। और ऐसे ग्रह मेदी लोगों के पास मेरा ना जन्म हो ना मेरा संग हो जो आपका कीर्तन कथा ना गाते हो, इसीलिए हे प्रभु हमेशा मेरी रति मति आपके चरणों में बनी रहे। ये वृत्रासुर है जिन्होंने पूर्णता दिखाया, चाहे कुछ भी हम कर्म करें लेकिन रति मति भगवान के श्री चरणों में हो। तो इंद्र ने उनको अंदर ही अंदर प्रणाम करके अपने रज से जैसे ही उनको मारने की कोशिश की, तो पहले तो उन्होंने काफी उनको हराया था इंद्र को, वो बहुत बड़ी जो है युद्ध की एक कथा है, लेकिन शॉर्ट में जब आखिर में उनके हाथ काट दिए गए तो उन्होंने बड़ा सा मुंह फाड़ करके इंद्र को एरावत सहित निकल लिया, और निकल करके उनको जैसे ही वो ऐसा लग रहा दम घुटेगा, तब इंद्र भी कौन है, भगवान के दास है, और उन्होंने अपने वज्र से उनका पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ करके फिर पुनः भार आकर के उनका गला काटा, गला काटने पूरा एक वर्ष लग गया। तो ये सारी कथा से हमें ये सीख मिलती है किस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति निरंतर करनी चाहिए, कर्म कुछ भी करते रहे लेकिन भगवान के चरणों में हमेशा अपनी प्रीत बढ़ाने की प्रयास करना चाहिए। तो श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी जी ने जो कथा बताई वो मुझे याद आती है। इसमें एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है राधा रानी से मिलने के प्रयास कर रहे थे, काफी समय से तो मिल नहीं पा रहे थे, तो वो जावट गए और रात्रि का समय था, तो एक बेरी के पेड़ के नीचे वो खड़े होकर के देखने लगे कि किसी प्रकार से मिलन हो। तो वो वृक्ष के ऊपर टहनी पर बैठ करके कोयल की आवाज निकालने लगे करके, तो राधा रानी जो है उठी और उनके हाथों के जो कंगन है और बाजेब है एकदम से उसकी आवाज आती है, तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा रोमांच होता कि अब राधा रानी के दर्शन होंगे। लेकिन तभी जटिला आवाज करती, हे रे कोए कौन है, इस तरीके से कहती, तो डर जाती है और अंदर चली जाती। पूरी पूरी रात्रि भगवान श्री कृष्ण ने वही गुजार दी। इस प्रकार से उज्ज्वल नीलमणि में जो ये सारी चीजें हैं और अन्य हमारे श्री गुरुदेव ने प्रकाशित की है सुंदर भक्ति के लिए और महाप्रभु की सुंदर शिक्षाओं को उसमें समावेश किया। आज ऐसे ही हमारे सतगुरुदेव की हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं और 100वीं वर्षगांठ यहाँ पर बन रही है, इसके लिए हमें जोरदार कीर्तन कथा करनी है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कौन बोलेगा? प्रभु जी है कि नहीं? हाँ भी बैठे जी। कहाँ दिख नहीं रही, झुक के बोला। हाँ तुम आधा बोलो, उसके बाद में को आधा बोलो, आधा आधा बोलो। ग्रंथ विषय गया ना, ग्रंथ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर दशी में भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी गुरु महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गुरु का हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर दशी में भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर दशी में भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जगत गुरु प्रभुपाद सब परिकर गौर नित्यानंद प्रभु सब परिकर जीवन किशोर आत्मोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुधर तो हम कल गुरुदेव के मुखारविंद से भक्तारण लीला श्रवण कर रहे थे, तो उसमें गुरुदेव बता रहे थे कि किस प्रकार जब कृष्ण ने अगासुर को वध किया उस समय कृष्ण का उम्र था 5 साल की। तो बच्चे लोग जब घर जाते हैं और बोलते हैं कि मैया मैया आज क्या हुए हो क्या हुआ आज आज हमारे कृष्ण ने एक बड़े सांप को बड़े विशाल सर्प को मार डाला। तो उस समय सखा का आयु कितना था? बोले 6 साल। तो ये लीला तो 5 साल में हुआ। परीक्षित महाराज पूछ रहे ये लीला 5 साल में हुआ तो बच्चे लोग जाके सब सखा लोग जाके 6 साल में क्यों बोलते हैं? जब इतना सुनते ही जब सुखदेव गोस्वामी ध्यान लगाते हैं तो वो सब जिसे ध्यान लगाने से ही वो वहां पे ठाकुर जी को लीला को देखते ही वो मूर्छित हो जाते हैं फिर वहां पे जितने उपस्थित नारद अपे व्यास आदि समस्त ऋषि मुनि बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं और फिर कीर्तन से उनका मूर्छा भंग होता है और फिर वो किस प्रकार से वहां पे कीर्तन के बाद जब सुखदेव गोस्वामी उठते हैं जगते हैं फिर वहां पे सुखदेव गोस्वामी पास फिर आगे की लीला बता रहे हैं कि साधु पृष्ठं महाभागं त्वया भागवतोत्तमं जग्निन्यतस्ति कि त्वया भागवतोत्तमं कि त्वया अर्थात कि आप भागवतोत्तमं कौन भागवत उत्तम है? भागवत उत्तम है कि हे सुखदेव गोस्वामी बात बोल रहे हैं परीक्षित महाराज जी को कि आप भागवत उत्तम हो। क्यों आप भागवत उत्तम हो? क्योंकि आप कथा के बीच बीच में ऐसे ऐसे अद्भुत प्रश्न पूछ देते हो जिससे कथा में विशेष विशेष रस प्राप्त हो जाता है। ये सुखदेव गोस्वामी बात महाराज का भी बड़े विशेषता है। ये कथा को इस प्रकार से श्रवण करते हैं जैसे हर समय कथा नवय मान लो नया नया कथा श्रवण कर रहे हैं और उसको नया नया रूप में अनुभव कर रहे हैं। पूरा आनंद से उसको कथा को श्रवण करते हैं और कथा कथा के बीच में जब ये उसी कथा के संबंधित कोई प्रश्न पूछते हैं तो पूरा का पूरा उनके प्रश्न को सुन के हमारे सुखदेव गोस्वामी बात पूरा भाव में विभोर हो जाते हैं। भाव में कभी मूर्छित हो जाते हैं किस प्रकार हमने गुरुदेव से श्रवण किया मूर्छित हो जाते हैं और भाव से वो कथा को फिर से वर्णन करने लगते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप भागवत उत्तम हो। तो जो कृष्ण कथा है ये किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पास जिस प्रकार से कथा बोलते हैं तो परीक्षित महाराज जी उनको पूरा उसी रूप में आनंद आत्माराम में अच्छे से उसको श्रवण करते हैं अतृप्त रूप में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कृष्ण कथा है हर समय उसको अतृप्ति लेना चाहिए। जिस प्रकार गुरुदेव उदाहरण देते हुए बोल रहे थे कि जगत में कोई भी चीज अगर हम देखेंगे तो वो सब क्या होता है? पहले तो आनंद प्रदान करता है फिर बाद में परिणाम तो दुखदायक बाद में उसको दुख ही दुख मिलता है। कुछ भी चीज को अगर हम ग्रहण करेंगे तो गुरुदेव वहां पे उदाहरण देते हैं किस प्रकार अगर हम कुछ अच्छे चीज को खाने के लिए कोशिश करेंगे मिठाई को खाने के लिए कोशिश करेंगे एक मिठाई दो मिठाई तीन मिठाई चार मिठाई फिर बाद में उसको वही जो जिससे आनंद होता था उससे ही दुख का कारण बन जाता है। किसी भी चीज को अगर देखेंगे जैसे बोलते उदाहरण देते कुछ मूवी को हम एक बार देख लिया दो बार देख लिया और उसको कोई 100 बार देख सकता है क्या? पागल हो जाएगा। तो इसीलिए बोलने उसी चीज पहले उसको आनंद प्रदान करते हैं और बाद में उसी चीज उसको दुख प्रदान करते हैं। लेकिन कृष्ण कथा ऐसा एक चीज है जिसमें मन कभी नहीं भरता। कृष्ण कथा में मन कभी नहीं भरता अतृप्त होता है। तो यहाँ पे बता रहे थे कि किस प्रकार नारद जी ने भी जब भगवान की स्तुति किया नारद जी भी भगवान से वरदान मांगे बोले प्रभु
आप मुझे दो वरदान दो। बोले क्या? ना एक तो आप जिस जिस जगह पे मधुर मधुर लीला करोगे, जिस जिस जगह पे आपका चरण धूलि है, जिस जिस जगह पे आप सुंदर सुंदर अपने धाम में जहाँ पे आप लीला करोगे, तो उसी जगह पे अगर कोई वैष्णव के अनुगत्य में, आपके भक्त के अनुगत में अगर उसी जगह पे कोई जाए, परिक्रमा करे और वहां पे आपके उसी लीला, जहाँ जिस प्रकार के आपने उस जगह पे लीला किया, उसी लीला के अनुरूप अगर कोई उसी जगह पे बैठ के कथा श्रवण करे और जिस पे आपका चरण धूलि हो उसमें कवर कोई अगर लोट पोट खाए, तो उसको जल्दी से जल्दी आपकी जो भक्ति, कृष्ण भक्ति, आपके भक्ति उसके हृदय में प्रकाशित हो। और दूसरा नारद जी वरदान मांगते हैं कि आप एक वरदान दो प्रभु की, आपकी जो कथा है हर समय अतृप्त हो, कभी भी ये किसी को तृप्त ना करे। फिर इसीलिए गुरुदेव उदाहरण देते हुए बोल रहे थे किस प्रकार पृथु महाराज जी, हम सुबह श्रवण करते थे कि पृथु महाराज जी जब भगवान से स्तुति करते हैं तो भगवान से मांगते हैं प्रभु आप हमारे शरीर में 10,000 कान दे दो। अब ठाकुर जी बोलते हैं कि शरीर में दो कान ही तो अच्छा लगता है, पूरा का पूरा कान ही कान हो जाएगा, पूरा शरीर में कान ही कान तो ये थोड़ी ना अच्छा लगेगा। तो बोलते हैं प्रभु आप 10,000 कान में जो सुन सकते हैं, तो उसी हमारे जो दो कान है उसी कान में हमारे 10,000 कान को सुनने वाला शक्ति दे दो, कृपा करके आप शक्ति दे दो ताकि हम ज्यादा से ज्यादातर भगवान की कथा को सुन पाए और उसको आनंद ले पाए। फिर यहाँ पे किस प्रकार गुरुदेव और एक भी उदाहरण दे रहे थे कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी ज्ञानी नानम अग्रगण्यम जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, कि जहां जहां पे हनुमान जी, जहां जहां पे भगवान राम की कथा होते हैं तो वहां पे हनुमान जी निश्चित रूप में विद्यमान होते हैं। तो इसलिए बता रहे थे कि हनुमान जी राम कथा का परम रसिक है, परम रसिक संत है, तो ये विशेष रूप में राम कथा को श्रवण करते हैं। किस प्रकार हनुमान जी कभी अतृप्त नहीं होते, हनुमान जी जिस जगह पे कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं पहले उसी स्थान को प्रणाम करते हैं, फिर वहां पे जो वक्ता होते हैं, जो व्यासपीठ पे विराजमान होते हैं उनको प्रणाम करते हैं, फिर जो जो श्रोता लोग हैं वहां पे उनको सबको प्रणाम करते हैं और पूरा आनंद से पूरा ध्यान में लगा के एक एक कथा को श्रवण करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि हनुमान तो ज्ञानी नानम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, फिर हनुमान जी को कथा सुनने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कथा पंडित बन के सुनना नहीं चाहिए, कथा हमको इस तरीके से सुनना चाहिए कि ये हमने तो अभी ये हर समय नव, जिस प्रकार परिचित महाराज सुन रहे कि नव नवायमान, हर समय उनको लग रहा है कि ये हमने कभी सुना ही नहीं, तो इसी प्रकार से कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा अगर पंडित बन के श्रवण करेंगे तो उसमें गुरुदेव बता रहे थे कि उसको उसमें हमको दोष दिखने लगेगा, अब दोष दिखने लगेंगे तो धीरे धीरे हम वैष्णव अपराध कर बैठेंगे, इसीलिए कथा हर समय पंडित बनकर नहीं, कथा हर समय भगवान के कृपा प्राप्त करने के लिए ही सुनना चाहिए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज जिस प्रकार का पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बात बोल रहे हैं कि तो ये भागवतम, कि आप भागवत उत्तम हो, क्योंकि आप में जो कथा है उसमें कभी भी सुनने में अरुचि नहीं, क्योंकि इनको सुनने में विशेष रूप में अनुराग होता है, कथा सुन के ये आनंदित होते हैं, कथा सुन के ये तृप्त नहीं होते, और बीच बीच में जो एक प्रश्न पूछ देते हैं, मानो कि सुखदेव गोस्वामी पाद की कथा में ये रस दे रहे हैं और वहां पे कथा रूपी जो बारिश को ये विशेष रूप में सुन के आनंदित हो रहे हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार किस प्रकार का कथा सुनते थे परीक्षित महाराज, उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक कामिक व्यक्ति, एक लंपट व्यक्ति, जिस प्रकार की कोई स्त्री चर्चा हो या कोई काम विषय की चर्चा को वो हर समय ध्यान लगाता रहता है कि कहाँ पे सुने, कहाँ पे सुने, और वहां पे कोई हटता ही नहीं, उसको वहां पे श्रवण करता है जिसमें उसको रुचि हो, एक कामिक व्यक्ति को काम के विषय में जिस प्रकार का रुचि हो, तो यहाँ पे उसी प्रकार का उदाहरण देते हुए कृष्ण कथा के जो रस को ये परीक्षित महाराज जी उसी भाव में श्रवण कर रहे हैं अतृप्त होके। फिर यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कि किस प्रकार ठाकुर जी अब क्या कर रहे हैं, अगासुर का तो वध हो चुका है और अगासुर के वध में जो अगासुर के जो शरीर था वो कुछ दिन के बाद जो खराब हो गया, वो जो गुफा बन गया, उसमें धीरे धीरे ठाकुर जी खेलेंगे आगे चल के। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अब ठाकुर जी निकले थे किस चीज के लिए, वन भोजन करने के लिए, इसलिए ठाकुर जी की एक दिन इच्छा हुआ ना कि हमने पहले श्रवण किया कि किस प्रकार ठाकुर जी ने बड़े सुंदर सुंदर मालपुआ, जलेबी, लड्डू ये सब लेके घर से सखा लोग एक बार कृष्ण ने बंसी बजाया, सब सखा मिलके
वन भोजन के लिए निकले हैं। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि हम वन भोजन करने के लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे कि जमुना के तट पर, जहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर पुष्प, जहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर जमुना नदी के कलकल नाद हो रहा है, बड़े सुंदर पृष्ठ है, उसी जगह पे हम जाके सबके साथ मिलके भोजन करेंगे। तो यहाँ पे जब ठाकुर जी ने वहां पे गए और जहाँ पे ठाकुर जी बैठे, तो जैसे ठाकुर जी बैठे तो उनके चारों के चारों तरफ सारे के सारे सखा भी बैठ गए, क्योंकि विशेष प्रीति है, प्रीति के कारण कृष्ण को एक एक सखा एक एक को छिपक छिपक के बैठ गए। कोई सखा बोल रहे मैं कृष्ण के सामने बैठूंगा, वो सखा बोल रहे मैं कृष्ण के सामने बैठूंगा, सबके मन में ये है कि हम कृष्ण के सामने बैठे। तो यहाँ पे गुरुदेव उदाहरण देते हुए बोल रहे थे कि किस प्रकार एक जो पद्म होता है, कमल का पुष्प होता है, उसमें जो कर्णिका होता है बीच वाला हिस्सा, तो उसमें जो पंखुड़ी होता है, छोटे और बड़े पंखुड़ी जिस प्रकार के छिपक छिपक के रहते हैं, उसी प्रकार के ठाकुर जी भी बीच में बैठे हैं और सारे के सारे उनके सखा पूरा छिपक छिपक के ठाकुर जी को आवृत करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक आश्चर्य, मतलब क्या आश्चर्य, सब सखा के हृदय में भाव है कि हम कृष्ण को दर्शन करेंगे, हम कृष्ण को दर्शन करेंगे, ये सारे के सारे सखा के हृदय को भाव है। अब कृष्ण जिस सखा जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, तो कृष्ण तो एक ही जगह पे बैठे, तो सारे के सारे सखा को लग रहा है हम कृष्ण के सामने बैठे, क्योंकि सखा का इच्छा क्या है कि हम कृष्ण के सामने बैठे। तो कृष्ण का जो अचिंत शक्ति है, उस अचिंत शक्ति से कृष्ण अनेक स्वरूप को ऐसे प्रकाशित कर लिया कि मानो सब सखा को लग रहा है कि कृष्ण हमारे सामने बैठे हैं, कृष्ण हमारे सामने बैठे हैं। इतने में जितने भी सखा लोग थे, वो बड़े सुंदर सुंदर पकवान, कोई मिठाई, कोई लड्डू, कोई दूध, कोई कृतार्थ, कोई सरपुली, कोई दही अन्न, कोई इस प्रकार का विभिन्न विभिन्न प्रकार के पिष्टक, तो विभिन्न प्रकार का व्यंजन सामने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे कुछ कोई सखा लोग, कोई सखा गुरुदेव बोल रहे थे कि कोई पीठा पिष्टक पिष्टक लाए, तो उस पिष्टक में जैसे होता है ना, उसके अंदर पूर रहता है, हमारे उड़ीसा बंगाल में होता है, उसके अंदर बड़े सुंदर पीठा बोलते हैं, पिष्टक प्रस्तुत करते हैं, तो उस पिष्टक के अंदर नारियल डाल के उसको पूर को उसके अंदर देते हैं। तो जो पूर है उसमें कभी कभी कोई कोई सखा लोग, क्योंकि सखा लोग नटखटपन है, तो वहां पे कभी कभी नीम के पत्ते, कभी कभी कोई कड़वा पत्ते वहां डाल देते हैं। और सखा लोग बोलते हैं देखो देखो वो सखा, आज हमारे घर से बड़े सुंदर पिठा, ये बड़े सुंदर पिष्टक मैं लाया हूँ, तुम खा लो। जो सखा वो देखता है, वो पिष्टक को छीन के जब खा लेते, खाने के बाद बीच में तो कड़वा है, बीच में तो वो नीम का पत्ते है, वो जब खाता है, वो सखा एक सखा जब खाने लगता है, बोले देखो तुमने आज मुझे ठग लिया, बोले तुमने आज मुझे ठग लिया, ये तो कड़वा है, इसी प्रकार का हंसी मजाक करते हैं। तो जब कृष्ण ने एक इसी प्रकार से सखा लोग जब वनभोजन कर रहे थे, तो कृष्ण बीच में बैठे हैं, अब कृष्ण के हाथ में बड़े सुंदर से कृतार्ण और बड़े सुंदर से दही अन्न, ठीक है, दही अन्न गुरुदेव कल बता रहे थे। अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम कृपा पद्म परमाराध्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में नत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादशोदर्शन श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादशोदर्शन श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादशोदर्शन श्री श्रीमद् भक्ति श्री क्षेत्रांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों में इनको भी दंडवत प्रणाम, यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा आश्रय लेते हैं। हम लोग श्रवण कर रहे थे अब तक किस प्रकार कृष्ण अपने सखाओं के साथ में यमुना तट पर एकत्रित हुए हैं और वहां पर सखा अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं, किस प्रकार एक सखा दूसरे सखा से कुछ भी खाद्य पदार्थ छीन के और वहां भागा दौड़ी चल रही है। कृष्ण के मुखारविंद के पास में एक भ्रमर आता है और भ्रमर को देखकर कृष्ण कहते हैं, बोले भ्रमर तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? उनके सामने मधुमंगल बैठा हुआ होता है, बोले तुम मधुमंगल के पास चले जाओ, मधुमंगल का मुख कमल वो तो बड़ा सुंदर है,
तुम उसके पास चले जाओ। जैसे ही मधुमंगल ये बात सुनता है वो सोचता है, बोले मैं ब्राह्मण हूँ, तुम इस भ्रमर को मेरी तरफ भेज रहे हो, वहीं पर जनेऊ लपेटते हो, क्या कहता है कृष्ण को? बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। और यहाँ पर एक सखा क्या कहता है, हम पहले श्रवण किया कि इस प्रकार एक पिष्टक के अंदर नीम पत्ता ये सब देकर उनका मुंह कड़वा हो जाता है, तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक लीलाएं वहां पर कृष्ण कर रहे हैं। अभी कृष्ण के वहां पर आसपास कुछ बंदर भी थे। बंदर को देखकर कृष्ण के मन में इच्छा होती है कि हम तो बड़े निर्विघ्न पूर्वक आनंद से यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, किंतु ये सारे बंदर भी तो भूखे हैं, और इनमें से कोई बंदर हमसे छीनने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? कृष्ण के मन में अभी ये जैसे इच्छा हुई, कृष्ण की सत्य संकल्प शक्ति जो है उसने वहां पर, कृष्ण की सत्य संकल्प शक्ति ने सोचा कि भगवान अभी चाहते हैं कि हमारी इस भोजन, इस वन भोजन लीला में कुछ विघ्न आ जाए, कुछ बाधा आ जाए। तो इसी को जानते हुए वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दिया। ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित होते हैं। हमने पहले श्रवण किया था कि इस प्रकार आकाश में जो ज्योति भ्रमण कर रही थी वो श्री कृष्ण के श्रीअंग में प्रवेश करी, वहां से एक चतुर्भुज रूप धारण करते हुए अघासुर वैकुंठ की ओर गमन कर रहा था। ब्रह्मा जी ने जब ये चीज दर्शन करी, उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं कृष्ण सभी सखाओं के बीच में बैठे हैं। वेदों में कहा है कि यदि कुछ बाम हाथ से अगर खाया जाए, कुछ पानी पिया जाए, तो वो क्या है, वो शराब के तुल्य है, झूठा किसी का खाना नहीं चाहिए। किंतु ये कैसे भगवान है, सखाओं के बीच में बैठकर उनका झूठा खा रहे हैं, हाँ, और कोई सखा के साथ हंसी दिलखी कर रहे हैं, ये किस प्रकार के भगवान है? उनके हृदय में कौतुक हुआ। तो उस इसी वजह से उन्होंने और लीला को दर्शन करने के लिए क्या किया, वहां पर सारे बछड़ों को और सखा को चुराना आरंभ किया। क्या किया वहां पर, जब ही सब सारे सखा देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका दास्य भाव है। किंतु यहाँ पर उन्होंने जब देखा कि सखा कृष्ण किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सखाओं के साथ में सख्य भाव, वहां पर कोई ऐश्वर्य नहीं है, तो ये देखकर वे बड़े मोहित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर कुछ बछड़े चल रहे थे, बछड़े अभी हरी घास को देखते देखते बहुत ही आगे वन में प्रवेश कर गए। अभी सखा यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि काना, बोले हमारे सब बछड़े कहाँ चले गए? कृष्ण ने तब क्या कहा, बोले तुम लोग यहाँ भोजन करो, मैं जाकर देखता हूँ। कृष्ण अभी जब बछड़ों को देखने के लिए जाते हैं, पीछे से ब्रह्मा जी ने इन सखा को भी वहां पर चुरा लेते हैं, वहां से हटा लेते हैं। अभी विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा कौन है, कहते हैं ब्रह्म एव सर्वविधि भवति, कि ब्रह्मा कौन है जो सब चीज जानते हैं, जो साधारण देवता लोग हैं उनके पास में भी हम जाकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो। साधारण देवता भी यदि सबके हृदय का भाव जानते हैं तो ब्रह्मा जी का तो क्या कहना, तो ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं, फिर उन्होंने सखा को क्यों चिराया? यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि जो जब कृष्ण मैया यशोदा का स्तनपान करते थे, तब वहां पर जितनी मात्र स्थानीय गोपियां थी उनके हृदय में भी इच्छा होती थी कि क्या कभी हम कृष्ण को हमारा स्तनपान करवा पाएंगे, कभी कृष्ण को हमारा भी कोई ऐसा कृष्ण जैसा लाला हो जिसको हम गोद में लें, उसके प्यार करें, उसके साथ वात्सल्य भाव हम लोग प्रकाशित करें। तो ये एक बात थी। दूसरी, जो सारी गैया थी ब्रज के अंदर, सारी गौवे कौन है, हमने पहले श्रवण किया था, नारद ऋषि गरुड़ इत्यादि सारी वेद की ऋचाएं, ये सभी ने क्या किया है, गाय रूप धारण करके ब्रज में आई हैं, ताकि कृष्ण सेवा के उद्देश्य से, कृष्ण सेवा करने के लिए वे सारी गाय बनकर आई हैं, तो ये भी साधारण नहीं। किंतु इनके मन में जब ये अपने बछड़ों को दूध पिलाती थी इनकी, लेकिन ये देखते किस तरफ थे, कृष्ण की तरफ, इनके मन में भी इच्छा थी कि क्या कृष्ण हमारे बछड़े बन के हमारा दूध पियेंगे। सारी ब्रज की जो और गोपियां थी, ये गोपियां कौन है, हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, जब भगवान राम दंडकारण्य वन में गए थे तो वहां पर सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, वैसा गोपाल मंत्र का जप करते हुए तपस्या कर रहे थे, और राम का रूप देखकर आकर्षित हो गए, राम का रूप देखकर उनको श्याम का स्मरण हो आया। वे सब भगवान को आलिंगन करने के लिए जब दौड़ रहे थे, तब भगवान राम ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है, इसके अंदर मैं सीता के अतिरिक्त और किसी को ग्रहण नहीं करूंगा, तुम सब द्वापर युग में गोपी बन के आना। सारी गोपियां भी ये ऋषि मुनि है। जब भगवान गए थे मिथिलापुरी में भी सीता की जितनी सारी सखियां थी वह भगवान राम को देखकर आकृष्ट हो गई, उन्होंने भी सब गोपी रूप में आए हैं, वेद की ऋचाएं भी सारी गोपी रूप में आए हैं। ये सारी गोपियां कृष्ण को अपने प्रेमी रूप में, अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो कृष्ण ने इन तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या किया, अभी ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी यद्यपि सब जानते हैं किंतु उनकी सत्य संकल्प शक्ति द्वारा ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं।
यहाँ पर उसके आगे बता रहे थे कि विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर यहाँ प्रश्न उठाते हैं स्वयं कि कृष्ण के सखा उनके काय गुरु हैं, कृष्ण के सखा कौन है, उनसे अभिन्न है, तब ब्रह्मा जी का इतना कैसे साहस है कि वो उनको चुरा सके, ब्रह्मा जी कैसे चुरा लिया उन्होंने कृष्ण के सखा और बछड़ों को। तब यहाँ इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि उन्होंने सखा को नहीं चुराया, जब ब्रह्मा जी वहां पर क्या हुआ, कृष्ण की शक्ति द्वारा जो ओरिजिनल सखा थे वह सखा वहीं पर ब्रजरज में अंतर्ध्यान हो गए और माया शक्ति ने, जो कृष्ण की शक्ति ने वहां पर माइक सखा और बछड़े सारे प्रकट कर दिए, ब्रह्मा जी ने उन्हीं माइक सखा और उन सबको चुराया था, असली सखा वहां पर उनकी अचिंत्य शक्ति द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद में बता रहे हैं कि कृष्ण जब ब्रह्मा जी सारे सखाओं को चुरा कर अभी कृष्ण ने जब वापस आए लौट कर, कृष्ण देखते हैं कि यहाँ पर बछड़े भी नहीं है, जब बछड़ों की खोज में गए थे बछड़े भी नहीं मिले और इधर आकर देखा तो सखा भी नहीं है। यहाँ पर कृष्ण की शक्ति ने उनको स्मरण करवा दिया कि प्रभु ब्रह्मा जी आपकी लीला को समझ नहीं पाए और लीला को देखने के लिए उन्होंने ये सब चुराया है। तब विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि क्या भगवान को पहले नहीं पता था कि ब्रह्मा जी ने चुराया है, भगवान तो कणकण में विराजमान है, वे तो सब जानते हैं, क्या उन्हें पहले नहीं पता था कि वो ब्रह्मा जी आकर यहाँ पर सखाओं को चुरा गए हैं। यहाँ बताते हैं कि भगवान तब अभिनय मात्र कर रहे थे, भगवान तब अभिनय मात्र कर रहे थे और उनकी शक्ति ने उसी समय पर उनको स्मरण करवा दिया कि यह ब्रह्मा जी का कार्य है। तभी कृष्ण ने अपने ही अंग से सारे सखा, जो जिस जिस सखा का जैसा जैसा स्वरूप था, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही अंग कांति, जिसकी जैसी मुरली थी, जिसका वेत्र था, उसी के समान सारे सखा अपने अंग से प्रकट कर दिए, सारे बछड़े जिस प्रकार थे वैसे ही बछड़े उन्होंने उत्पन्न कर दिए और कृष्ण अभी स्वयं को ही लेके खुद ही को हाँकते हुए कहां जा रहे, ब्रज की ओर गमन कर रहे हैं। जब ब्रज की ओर गमन कर रहे हैं, अभी यहाँ ब्रज में क्या हुआ, सारी मातृस्थनीय गोपियां जो थी, हमने श्रवण किया था, सब दिन हर एक दिन उनका नियम था वे नंद भवन में जाएंगी ही और कृष्ण का दर्शन करने का, कृष्ण का दर्शन करने के उद्देश्य से वे हर रोज नंद भवन में जाती थी। लेकिन साधारण इस जगत में क्या होता है कि किसी और का पुत्र कितना ही गुणवान क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, किंतु अपना पुत्र सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, अपना पुत्र सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। लेकिन ब्रज में उल्टा था, ब्रज में उन सबके पुत्र होने के बावजूद भी उन्हें कृष्ण से ज्यादा प्रीति थी, कृष्ण से ज्यादा स्नेह था। अभी जब सखा कृष्ण ही स्वयं सारे सखा बनकर वापस आए हैं तो क्या हुआ है, एक विचित्र चीज देखी गई यहाँ पर। अब सारी ब्रज गोपियां अपने पुत्र से ही ज्यादा स्नेह करती हैं। यहाँ गुरुदेव बता रहे थे कि इस प्रकार की अपने पुत्र से स्नेह करने का कारण क्या है, उनके हृदय में परमात्मा विराजमान है, परमात्मा सबके हृदय में है इसीलिए तो स्नेह है। इसलिए अगर परमात्मा हृदय से निकल जाए तो इस शव को कोई प्रेम करता है, मृत शरीर को कोई प्रेम नहीं करता, मृत शरीर को क्या करते हैं, जला देते हैं, उसको स्पर्श करने पर भी स्नान करना पड़ता है, किंतु सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है इसीलिए ही उनसे प्रेम करते हैं। और सब आत्मा की परमात्मा, सब आत्मा की आत्मा कौन है, भगवान कृष्ण। तो अभी स्वयं कृष्ण ने ही सखाओं का रूप धारण किया है, सारी गोपियों के बच्चे कौन बने हैं, कृष्ण ही बने हैं, इसीलिए उनको अभी क्या करते हैं, अपने बच्चों से ही ज्यादा प्रेम करती है। अभी बच्चों से पहले जिस प्रकार का प्रेम था उससे भी ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से करती है। अभी वो नंद भवन में कृष्ण दर्शन करने के लिए नहीं जाती है, अपने बच्चों से ही प्रेम करती है। दूसरी एक चीज बताई कि सारी गाय जो थी, जब भी अपना बछड़ा आता था उनके पास में तो वो उसको दुग्धपान तो कराती थी किंतु देखती थी किस तरफ, कृष्ण की तरफ, हमेशा कृष्ण दर्शन करती थी। लेकिन अभी जब ये बछड़ा, जब कृष्ण ने ही साक्षात बछड़ों का रूप लिया है और वे आए हैं, तब ये सारी गाय अपने बछड़ों से बहुत ज्यादा स्नेह करती है। साधारण रूप में ऐसा होता है कि एक नया बछड़ा यदि हो जाए तो गाय पुराने बछड़े को इतना प्रेम नहीं करती, नए बछड़े को ही प्रेम करती है, किंतु यहाँ पर उल्टा देखा गया, वही गाय क्या है, पुराने बछड़े से ही बहुत ज्यादा प्रेम कर दी, स्नेह कर दी, उनको इतना चाटती थी मानो उसको चाट चाट के ही एकदम खत्म कर देगी, इतना ज्यादा स्नेह करती थी। अभी वो कृष्ण की तरफ देखती नहीं है। ये सारा ब्रज में होने लगा। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब बछड़ों को हरण कर लिया तो ब्रह्मा जी वहां पर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाते हैं तो उससे पहले ही भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं। भगवान वहां पहुंचकर स्वयं ब्रह्म रूप धारण कर लेते हैं और वहां पर जो गेट कीपर थे गार्ड को कह लेते हैं कि आप मैंने एक बहुरूपी को देखा है, वो स्वयं ब्रह्मा रूप धारण करके और अगर आए यहाँ पर उसे घुसने मत देना। जैसे ही ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं तो वहां पर सारे उनको द्वारपाल रोक लेते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, बोले मैं साक्षात ब्रह्मा, मुझे क्यों रोक रहे हो, बोले हमें सब पता है तुम बहुरूपी हो, अब वहां से उसको खदेड़ देते हैं।
ब्रह्मा जी जब चिंतन करते हैं, देखते हैं स्वयं मेरे प्रभु ही मेरे सिंहासन पर विराजमान है। जब वो वापस ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं तब उसके बीच में एक वर्ष बीत जाता है। इसके बाद की क्या लीला है हम श्री गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। फोटो लेने के लिए ना उसको तैयार कर हरे कृष्ण ओम अज्ञानित निराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जोर से बोलो बोल हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज की चरणों स्वरण में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गत कल्या श्रवण कर रहे थे कैसे ब्रह्मा जी जब बछड़े सखाओं को चोरी करके एक गुफा में उन्हें बंद करके जब उन्होंने ब्रह्मलोक में गए, अभी जो चौकीदार लोग थे उनको घुसने नहीं दी, इतने में जब उनको भगाए तो उन्होंने एक मुहूर्त में गए और आते ही इसी जगत में हो गया एक साल बाद में आकर के देखा कृष्ण एक साल पहले जैसे बछड़े सखाओं को साथ में प्रभु लीला कर रहे थे अभी भी वैसे लीला कर रहे ठाकुर। ब्रह्मा जी बोले मैं तो सबके सब लेकर के गुफा में बंद कर दिया, फिर ये किस आ गए हो ना हो कृष्ण को पता चला फिर तो वहां से उन्होंने ले नहीं आए, इसलिए ब्रह्मा जी देखने के लिए गए। देखने के लिए गए तो ब्रह्मा जी को अपना योग निद्रा के द्वारा उनको सुला दिया था, अभी भी वो वहीं पर अभी सोए हुए हैं। ये क्या है, ये तो यहाँ सोए पड़े हुए हैं अभी। फिर ब्रह्मा ये सोच रहे हैं ऐसे नहीं, ये इसको दो भाग में तो विभक्त नहीं कर दिया, आधा यहाँ और आधा वहां, ऐसे तो नहीं हो गया। इसलिए ब्रह्मा जी फिर देखने के लिए आए, उन्होंने देखा ठीक वैसे। फिर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ऐसे तो नहीं, जब मैं उधर जाता हूँ और इधर का सबके सब बछड़ सका वहां चले जाते, फिर जो फिर मैं इधर आता हूँ और वहां के बछड़ सका फिर यहीं आ जाते हैं, ऐसे तो नहीं। इतने में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा तो साधारण है नहीं, कितना ब्रह्मा मतलब क्या, बोले ब्रह्मा एव सर्वभीत भवेत, ब्रह्मा साधारण नहीं, वो तो सब जानता है ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा जी कोशिश किया अभी मैं अपना ज्ञान को द्वारा मैं देखना चाहता हूँ वास्तव रूप में क्या चीज है। जब उन्होंने ध्यानस्थ होकर के बहुत सोच विचार करके भी ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, जब ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए इतने में ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना विभूत दर्शन कराया। इसको बीच में और एक घटना हो गई, बोले क्या हो गई, बोले ऐसे लीला करते 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 हो गया एक साल। अभी एक साल पूरी होने में केवल 5-6 दिन बाकी रह गया। जब रह गया एक दिन श्री बलदेव प्रभु एक ऊंचा आसन पत्थर के ऊपर बैठे हुए और उन्होंने एक अद्भुत चीज उन्होंने देखा, बोले क्या चीज देखा, कहते नीचे एक साल का जो बछड़े अभी नीचे चर रहे थे, कृष्ण सखाओं को लेकर उनको चरा रहे थे, लेकिन जो नया अभी गया ने नया बछड़े दिया, वो नए बछड़े को पहाड़ के ऊपर में जो बड़े बड़े गोप लोग थे जो नए बछड़े को और गैया को साथ में उनको चरा रहे थे, जो चरा रहे थे। लेकिन जगत में नियम क्या होता है देखना, गैया जब नए बछड़े जन्म देता है ना पुराना बछड़े को प्यार नहीं करता है, किसको प्यार करता है, नहीं, ये नियम है। लेकिन उन्होंने एक आश्चर्य चीज देखा,
देखा जो नए बछड़े को जो गैया छोड़ दिए, जब उन्हें देखा नीचे पुराने बछड़े ने उनको देख करके ना गैया पूछ उठा करके ये पुराने बछड़े को प्रति बड़े तेजी से भागे। जो भागे इतने में गोप लोग ने देखा अगर ये चले जाएंगे तो दूध पी लेंगे बछड़े, दूध पी लेंगे फिर बछड़े फिर दूध देंगे नहीं, इसलिए गोप ने बहुत कोशिश किया डंडे लेकर के उनको रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई भी गैया रुके नहीं, एकदम पूछ खड़े करके सबके सब भागते भागते आए। जब भागते भागते आए इतने में गोप लोग तो बड़ा क्रोध हो गया, भले बच्चे लोग क्यों बड़े बछड़े को लेकर की तरह आ गए और गैया सारे दूध बछड़े सब दूध पी लेंगे, गैया तो दूध नहीं देंगे, जाकर ना बच्चों को पिटाई करेंगे। ये सोच करके जितने बड़े गोप थे ना भागते हुए आए, लेकिन फिर क्या देखा मैंने, फिर देखा आ करके पिटाई क्या करेंगे, उधर तक आ करके सारे भूल गए और बच्चों को गोद में लेकर के ऐसे प्यार कर रहे थे, ऐसे लाड़ डरा रहे थे जो कि सोच भी नहीं सकते हैं, इतने प्यार कर रहे थे, सब क्रोध शांत हो गया। बलदेव प्रभु देखा ये क्या हो रहा है, उनको मारने के लिए आए थे मार के किया, वो तो पागल हो गए उनके प्रति हैं, है पागल। फिर जो बड़े वहां पर जो गैया आए ना वो बछड़े को ऐसे चाट रहे थे, ऐसे बछड़े को चाट रहे थे जैसे खा जाएंगे। अब देखो ना जैसे बछड़े को चाटते हैं ना, वो चाट नहीं रहे थे पूरा पूरा जैसे खा जाएंगे ऐसे चाट रहे थे। लेकिन बलदेव प्रभु एक पत्थर के ऊपर बैठे करके सोच रहे ये क्या चीज देख रहा हूँ, सबके सब उल्टा पुलटा सब चीज देख रहा हूँ, बड़ा आश्चर्य का चीज है, ये क्या चीज है। बलदेव प्रभु ने देखा, बलदेव प्रभु कौन है, बलदेव प्रभु साधारण व्यक्ति नहीं, केवल कृष्ण देखने में काले और बलदेव देखने में गोरे, केवल इतना ही फर्क और भी फर्क नहीं है, उनका प्रथम में जो कायक भी है ना बलदेव प्रभु, ये साधारण नहीं बलदेव प्रभु, साक्षात विष्णु तत्व है बलदेव प्रभु, ये साधारण नहीं। लेकिन इनकी कृष्ण की माया ऐसे है ना, बलदेव प्रभु भी सोच करके वो भी चिंता नहीं कर पा रहे क्या चीज है। इतने में कहते यहाँ प्रश्न होता है, अभी तक तो बलदेव प्रभु इसी विषय पर क्यों चिंता नहीं किया, कहते एक साल बीत गया एक साल तक उन्हें चिंता क्यों नहीं किया, बोले कृष्ण की इच्छा नहीं थी, कृष्ण की इच्छा नहीं थी इसलिए उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई। इसलिए यहाँ विश्वनाथ ठाकुर कहते जो भगवान जब धीरे 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 माया को हटा रहे, जितने परिमाण से माया को हटा रहे हैं उतना परिमाण से श्री बलदेव प्रभु ये माया विश्वनाथ को चार भाग किया माया को हटाने का, उन्हें चार भाग में बताए, कृष्ण के से थोड़ी सी माया को हटाए तो बलदेव प्रभु थोड़ी सी समझ में आए, और थोड़ी सी माया को हटाए तो और थोड़ी सी समझ में आए, जब पूरा उन्होंने माया को हटाए इतने में कृष्ण फिर अपना सारे ऐश्वर्य दिखाए कृष्ण ने, हैं कृष्ण सारे ऐश्वर्य दिखाए। इतने बलदेव प्रभु देखा कि जो माया और जो महामाया है कभी मेरे को मुक्त नहीं कर सकते, क्यों बलदेव प्रभु साक्षात भगवान है, कहते पर ये माया किसकी माया है जो मुझे तक भी पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने दाव कृष्ण कन्या को बोले दाव कृष्ण को बोले कृष्णा ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब क्या उल्टा पुलटा देख रहा हूँ, बोले भैया पापड़ बेलते बेलते एक साल हो गया कहते पापड़ बेलते बेलते एक साल हो गया इसलिए एक साल से सब लीला चल रही है, हैं एक साल से एक लीला चल रही है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पर बहुत कुछ अच्छी अच्छी बात बताते हैं, और एक बात पूर्व का प्रश्न कर रहे हैं बलदेव प्रभु कृष्ण की इच्छा नहीं थी, बलदेव प्रभु समझ नहीं पाए, फिर कृष्ण उनका जो असली जो सखा है कहां पर अंतर ध्यान, वही ब्रज रज में अंतर ध्यान, वही पर अंतर ध्यान है। अभी कृष्ण के साथ में जितने सखा बछड़े को और कृष्ण स्वयं, ये कृष्ण स्वयं स्वयं को साथ में लीला कर रहे हैं, फिर कृष्ण को उसको बाद में बलदेव प्रभु को जब ये बात पता चला ना, फिर बलदेव प्रभु पांच छह दिन तक और उन्होंने आए नहीं, गया चरण नहीं आए, बोले क्यों नहीं आए, बोले हमारी जो असली जो श्रीदाम वसुदाम मधुमंगल स्तो कृष्ण लवग हमारी असली जो सखा प्रिय नर्म सखा ये है नहीं, कृष्ण स्वयं बनेंगे सब के सब, इसलिए उनका विरह में दुख में बलदेव प्रभु नहीं आए, बोले कन्हैया तू ऐसे नाटक करते हो तू जा मैं नहीं जाऊंगी तू जा, इसलिए नहीं आए। तब यहाँ प्रश्न करते हैं फिर क्या ये कृष्ण फिर इनकी जो असली जो सखा को साथ में खेलते थे, अब तो अपनी को साथ में अपने लीला कर रहे हैं, लेकिन असली सखा तो कृष्ण को क्यों विरह नहीं, कृष्ण को तो विरह होनी चाहिए ना, बलदेव प्रभु जैसे विरह हुआ पता चला था आई नहीं, कृष्ण क्यों नहीं हुआ, बोले कारण है कृष्ण एक अंश से कृष्ण उनको साथ में भी कृष्ण लीला कर रहे थे,
एक अंश को जरा कृष्णा उनको साथ में भी कृष्ण लीला कर रहे थे, इसलिए उनका विरह नहीं हुआ है। लेकिन ब्रह्मा गए और आए इस जगत में हो गया कितना, एक साल हो गया, लेकिन एक मुहूर्त में ही है इस जगत में जो एक साल हो गया, पर लेकिन कृष्ण उसी समय कृष्ण सारे को सारे लीला अपना सखाओं के साथ में कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कृष्ण की माया ऐसे अद्भुत माया है जिस माया को बलदेव प्रभु जी नहीं समझ पाए, लेकिन सब के सब कृष्ण लीला कर रहे थे। इतने में बलदेव प्रभु उसको बाद में आए नहीं, बलदेव प्रभु उसको बाद में आए नहीं। कहते जिसकी माया ऐसे माया है जिसकी माया को बलदेव प्रभु भी नहीं समझ पाते हैं, कृष्ण कैसे माया। ब्रह्मा की बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा की बात ही छोड़ दो। फिर इतने में ब्रह्मा जी को उन्होंने असली कृष्ण फिर ब्रह्मा जी को दिखाया, देखो ये जितने बछड़े सके है कौन, जो उन्होंने जो दर्शन कराया ना असली रूप में, सबके सब चतुर्भुजधारी, सबके सब देखा, सबके सब नारायण, सबके सब वासुदेव, आप ब्रह्म स्तंभ जितने बछड़े सके कृष्ण दिखाया, देखो ये कौन है, सबके सब चतुर्भुज रूप में दर्शन किया, वासुदेव रूप में दर्शन किया। फिर ब्रह्मा जी को पता चला कृष्ण कौन है, क्लियर, मेरे बाप का बाप का बाप का भी बाप है। कहते ब्रह्मा का बाप कौन है, कहते गर्भदशाई विष्णु जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, कहते उनका बाप कौन है, बोले कारणदशाई विष्णु, बोले उनका बाप कौन है, बोले श्री शंकर सर, बोले उनका बाप कौन, बलदेव प्रभु, बोले उनका बाप कृष्ण है। बाप कौन है, ये कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी जो हंस वाहन के ऊपर बैठा हुआ था, जब कृष्ण की अद्भुत ऐश्वर्य को देखा, देख करके उन्होंने कूद पड़े नीचे, कूद करके उन्होंने क्या किया, साष्टांग उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया। फिर विश्वनाथ ठाकुर फिर प्रश्न करते हैं, कहते हैं स्वर्ग की जो देवता का दो गुण है, क्या गुण, दो गुण है, बोलो। कहते हैं आंख कभी झपकती नहीं, दूसरा गुण क्या है, इनके प्यार कभी जमीनी में नहीं लगती, ये देवता का दो गुण। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या किया, पूरा के पूरा ब्रजरज में लेट गए, ब्रजरज में लेट गए क्यों, इनका शरीर तो पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता, लेट गए क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता चला ये ब्रज रज है ना, ये साधारण नहीं, कहते ब्रज रज लेट नहीं, कियो ना जमुना पान है, ये ब्रज की जो धूल को उठाओ ब्रह्मा नारद सबके सब प्रार्थना करते, इसलिए अपना देवता का अभिमान को, ब्रह्मा के अभिमान को उन्होंने परित्याग किए, सिद्धार्थ ठाकुर जी के चरण में लेट गए। लेट करके ब्रह्मा का कितना सर, जैसे ये एक सर, ये दो पीछे एक, अभी वो कोशिश कर रहा है जैसे मेरे चार सर ठाकुर का चरण में स्पर्श करे, लेकिन जो प्रणाम किया एक सर ही टच कर रहा था और तीन सर लग ही नहीं रहा, फिर उन्हें चार सर को जोर करके ला करके ठाकुर जी के चरण में उन्होंने प्रणाम कराया। प्रणाम कराते हुए अपना आंखों का आंसुओं से ठाकुर जी के चरण को उन्होंने अभिषेक करा, अभिषेक करके बहुत समय तक उन पर खड़े रहे, क्योंकि उनको पता चला मेरे बाप का बाप का ये बाप है, इसलिए बहुत समय तक उनके चरण में प्रणाम अभिषेक करते हुए फिर ब्रह्मा जी अपना आंखों को ऐसे ऐसे मलते मलते उठे, हार फूट करके बारम्बार प्रणाम करते हैं, बार उठ रहे, बार प्रणाम करते हैं, बारम्बार उठते हैं ब्रह्मा जी, उठ करके फिर भगवान को ब्रह्मा जी पर स्तुति की। कहते ये 40 श्लोकों के द्वारा उन्होंने ब्रह्म स्तुति की, ये जो 40 जो श्लोक है ना, हैं जो 40 श्लोक है ये, इसमें किसी किस श्लोक में भक्ति की महिमा बताए, किसी किस श्लोक में ज्ञान की महिमा, किसी किसी श्लोक में कृष्ण की जो ऐश्वर्य, कुछ कुछ श्लोक में कृष्ण की माधुर्य और कुछ श्लोक में तो ब्रजवासियों की महिमा, ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान, इसमें बहुत सारी चीज को उन्होंने प्रकाश किया है श्लोक में। कल से हम लोग उनका स्तुतियों को सुनेंगे, जो मैंने श्लोक को स्तुतियों को सुनेंगे, और तुम बच्चों को उसमें और कुछ कुछ बात है, अच्छी अच्छी बात है होगा तो तुम लोगों को अलग में बता दूंगा। विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर उसके अंदर में और अच्छी अच्छी छोटे छोटे उन्होंने प्रश्न किया और छोटे छोटे उत्तर दिया, बहुत अच्छी अच्छी सिद्धांत की बात बताए, तुम लोग हम अलग बता देंगे, ठीक है। ललिताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। देखो अभी हम लोग यहीं पर बैठ करके ना एक वीडियो लेंगे, ये वीडियो पूरा पृथ्वी में जाएगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जो सेंटेनियर 100 साल की जो पूर्ति को लगे हमें है, ये सब वीडियो जाएगा, सब जगह हम दिखाएंगे। ये बड़ों का भक्त लोग कितने भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सब तिलक लगाए, बच्चे लोग भी धोती रहे हैं,
और यहाँ पर अनेक सब गोपियां आती हैं बैठने, इसलिए ये वीडियो लेकर के इस सारा दुनिया में वीडियो जाएगी। हम बीच में बैठेंगे ना, यहाँ पर बीच में बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है, हम वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, गोविंद दामोदर बात होती है, कितना है फटाफट फटाफट निकल, चलो सर बताओ कैसे, जैसे वो कृष्ण बीच में बैठे थे ना वैसे आप बैठे, एक पूरा ऐसा गोला बन जाएगा माता जी का, आधा गोला इधर से माता जी का बन जाएगा, आधा गोला इधर से पिताजी का, सर्कल बना हुआ।